नमस्कार ए एम एस ट्वेल्व पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपसे कल लिब्रा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम ऑर्डर से रिलेटेड कर रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन में अगर आप टी जी टी पी जी टी भी दे रहे हो तो उस टाइप पर हेल्पफुल होगा और सी एस आई नेट के लिए तो हेल्पफुल होता है। तो हर एक क्वेश्चन के फंडामेंटल को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर हमको सॉल्व करना है आपसे अलजेब्रा में, हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या क्या फंडामेंटल ट्रिक्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके मेरे चैनल से नोट्स वगैरह भी आप प्रोवाइड कर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक फंडामेंटल हमारे पास क्या है। स्टूडेंट हर एक पॉइंट के कैलकुलेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए पावर ऑफ ओ ई, सो बी ए बी इनवर्स देन ए स्क्वायर है। तो सिंपली ये आपसे पूछ रहा है, मतलब जनरली पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ ए पावर ऑफ फोर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इट मीन्स राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है ना इसी को फॉलो अप करना है आपको। हमारे पास क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी ए बी आप माइनस टू दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल देखते हैं क्या मिल सकता है। बी ए बी इनवर्स और फिर उससे ब्रैकेट में एंड बी ए बी इनवर्स, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट लॉजिक पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर ऑफ फोर होगा, राइट हैंड साइड में अगर इन दोनों का हम मल्टीपल कर दें तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आइडेंटिटीज हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा बी ए, फिर बी ए बी इनवर्स का मतलब यहाँ दिस इज द बी बी इनवर्स की वैल्यू होगी ई, और किसी नंबर से ई से मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ई ए बी इनवर्स, या फिर आपका होगा बी ए स्क्वायर यहाँ पर बी पावर ऑफ माइनस वन दैट वैल्यू इज द ए पावर ऑफ फोर, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है इसको पुट कर दीजिए यहाँ से, ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बी ए बी इनवर्स ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी और बी पावर ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करिए, ए पावर फोर की वैल्यू ई है ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ई रख लीजिए, बी स्क्वायर ए और बी पावर ऑफ माइनस टू, तो इम्प्लाइड अगर हम ए इक्वल टू कहें तो ये हो जाएगा आपका बी पावर ऑफ माइनस टू इंटू स्क्वायर, और ये क्या हुआ आइडेंटिटीज हो गया, तो ए इक्वल टू ई हो जाएगा, सिंपल दैट इज इम्पॉर्टेंट, बी स्क्वायर ए पावर ऑफ माइनस टू, अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नंबर्स है तो बी पावर ऑफ माइनस टू और फिर बी पावर ऑफ टू, ये पार्ट आप जाएगा इंटू ई भी कह सकते हैं आप, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट। तो अगर सेल्फ का सेल्फ मल्टीप्लीकेशन है इस वाले प्रॉपर्टी से सो दैट वैल्यू इज द ई, तो सिंपल यहाँ पे क्या मिल जाएगा ई मिल जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, दैट इज अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं थोड़े बाइनरी ऑपरेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इनको हमको करने का प्रयास करना है। देखिए इफ द ग्रुप ऑफ जेड स्टार्स ऑल इंटीजर्स व्हेन ए स्टार्स आपका ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड देन इनवर्स ऑफ माइनस टू इज व्हाट, इनवर्स के इस कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा, ए ए इनवर्स अगर हम बात करते हैं सो इसकी वैल्यू ई होती है, जब ई आती है तो ई आइडेंटिटीज होता है, इसी की वैल्यूज आपको हमको पहले फाइंड आउट करनी होगी तब मानेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में वैसे सपोज करते हैं कि लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए क्या माना हमने, ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स को कंसिडर कर लिया, अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है, ई का मान निकालना है, तो जो गिवन कंडीशन है उसी का यूज करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, तो अगर हम इस वाले पार्ट से जाएं तो ए स्टार्स ई करें तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स में किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है, सिंपल। और इस ऑपरेशन का इसके मेल से हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी के रिप्लेस पर यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई हो जाएगा और प्लस वन इज इक्वल टू ए, तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई दैट ई इक्वल टू माइनस वन,
इक्वल टू माइनस वन फाइंड आउट हो गया। अब आगे आते हैं, अब मान लेते हैं कि कॉप से पूछ क्या रहा है कि माइनस टू का इनवर्स, तो लेट लेट इनवर्स इनवर्स ऑफ माइनस टू इज के कंसिडर कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ माइनस टू इज के, और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इनवर्स ऑफ ए इंटू इनवर्स इक्वल टू ई होगा। मतलब अब हम कहें कि माइनस टू स्टार्स ऑफ के इज इक्वल टू, अब जो कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस को हमको फॉलोअप करना है, क्या दिया है कि ए स्टार्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस के, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू प्लस माइनस टू तो है ही माइनस टू प्लस के प्लस वन, बट ये क्या आपका है इनवर्स है, तो इनवर्स वाली कंडीशंस है, तो इनवर्स वाली कंडीशंस मतलब ई हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस टू नंबर्स और उसके खुद के इनवर्स का मल्टीपल करते हैं तो आइडेंटिटीज मिलता है, तो ई मिलेगा। और ध्यान रखिए दिस इज द माइनस टू प्लस के प्लस वन, और ई की वैल्यू ऑलरेडी आपने क्या फाइंड की है माइनस वन फाइंड किया है, तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे और माइनस टू प्लस के प्लस वन, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा के इक्वल टू जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनवर्स वाले कंसेप्ट में ये क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, के की वैल्यू जीरो होगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए माइनस टू है तो माइनस वन और इधर माइनस वन है, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस ए के इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इस पॉइंट को अगर आप बेहतरीन अच्छे ढंग से समझ पाओगे देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हमको सबसे पहले आइडेंटिटीज को फाइंड करना है, तब जाकर के आगे का वर्कआउट आप कर पाओगे। जैसे यहाँ पे कह रहा सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बट सिर्फ पॉइंट्स बदल गए और मैनर्स बदल गए। कह रहा है कि लेट जी बी इज ए ग्रुप ऑफ विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, और ए स्टार्स बी आपको डिफाइंस है सिंपल ऊपर वाला है ए प्लस बी प्लस वन, तो पहले तो आपको ये डिफाइन करना है सिंपल, आपको एज्यूम कर लेना है कि आइडेंटिटीज क्या है, तो आप इसमें समझ मानेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो ए स्टार्स ऑफ ई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी ई, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए प्लस यहाँ पर जो बेसिक ई है तो यहाँ पे ई हो जाएगा और प्लस वन इक्वल टू ए, और इम्प्लाई दैट ई इक्वल टू माइनस वन, ये फाइंड आउट होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनवर्स ऑफ द एलिमेंट अल्फा, इस अल्फा का आपको फाइंड करना है कि वैल्यूज क्या होगी। तो मान लीजिए कि लेट लेट इनवर्स इनवर्स ऑफ अल्फा इज के, तो अल्फा स्टार्स ऑफ के, ठीक, इज इक्वल टू क्या मिलेगा ई मिलेगा, इसको समझ सकते हैं आप, क्योंकि आइडेंटिटीज खुद का खुद पर आइडेंटिटीज एलिमेंट्स हम कहें कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है ई होता है, ये प्रॉपर्टीज है, तो इसका यूज कर लिया। अब इसी कंडीशंस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये वाला जो कंडीशंस दिया है ना इसको अल्फा लगाया गया, अल्फा प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू क्या है माइनस वन है, तो अब हमको चाहिए के अल्फा के इक्वल टू, देखिए ई की वैल्यू वन इधर जाएंगे तो माइनस वन है, सॉरी ई की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस अल्फा, वी गेट माइनस टू माइनस अल्फा, तो वी गेट दिस आंसर माइनस टू माइनस अल्फा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिए। इनवर्स की प्रॉपर्टी याद रखना है कि इनवर्स क्या है, अल्फा अगर इनवर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिलेगा, विद मल्टीप्लिकेशन हम जा रहे हैं एडिशंस नहीं है, एडिशन में होता तो अलग होता उस केसेस में। यहाँ आइए देखिए करेंगे इफ जे स्टार बी द ग्रुप ऑफ एंड एक्स स्टार एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री एक्स वाई बिलोंग्स टू जे, देन इनवर्स ऑफ एक्स इन द ग्रुप ऑफ दिस, इनवर्स ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है इसी ग्रुप में के लिए। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक हमारे पास है उसको समझेंगे। अगर क्वेश्चन आपको दिया है कि x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस टू वाई माइनस थ्री, तो मान लीजिए इज लेट ई बी आइडेंटिटीज ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है,
फिर आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, तो अगर हम कहें कि एक्स स्टार्स ऑफ ई की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, तो एक्स स्टार्स की ई की वैल्यू क्या होगी, एक्स हो जाएगी। ठीक, अब अगर ऊपर वाले कंसेप्ट को हम फॉलो करें इस वाले पॉइंट्स को, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स आएगा प्लस टू ई आएगा, ठीक है, माइनस थ्री आएगा इक्वल टू एक्स आएगा, एक्स से एक्स की कहानी ख़त्म, और इम्प्लाई दैट ई इज इक्वल टू मिल जाएगा थ्री बाई टू। ई का मान क्या मिल गया, थ्री बाई टू। लेट इनवर्स इनवर्स ऑफ x इज k, तो मतलब x इंटू अगर हम k कहें तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, e मिलेगी। दैट पॉइंट क्लियर, कि इनवर्स का खुद पर मल्टीप्लीकेशन हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटीज मिलता है। अब इस वाले प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस वाले पॉइंट्स पर। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x ही रहेगा, प्लस चूंकि x का ही फाइंड करना है तो x रहेगा, 2y है तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, और फिर माइनस 3, और e की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 3 को इधर लेके चले जाइए, तो देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा। उस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जाएंगे हम, सिंपल x प्लस 2k इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 9, तो हो गया आपका x प्लस 2k बराबर 9 बाई 2। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, 9 बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हो गया k इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 4, तो इनवर्स हमको फाइंड आउट हो गया 9 माइनस 2x अपॉन 4, तो वेयर इज द ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन के इसी तरह के लॉजिकल वे में लॉजिक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। टीजीटी वीजीटी सीएसआईआर नेट आप दे रहे हो तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनरी ऑपरेशन के कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को करना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चंस है, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या कह रहा है कि इफ क्यू नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स स्टार्स इज डिफाइंड बाई दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक, वेन ए बी इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन देन द इनवर्स ऑफ 5/7 इन द ग्रुप ऑफ दिस। वो भरमाने के लिए आपको दे दिया है रेशनल नंबर, दैट इज द जो पुराना मेथड हम अप्लाई कर रहे उसी से करेंगे। तो ए स्टार्स आपको बी दिया है, दैट इज द ए बी अपॉन 3। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिटी निकालना होगा, सो पहले हम मानेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार्स ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, ए हो जाएगी, ठीक। और इसको हम इस वाले पॉइंट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू ई अपॉन 3, सिंपल, और इज इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल, और इम्प्लीमेंट कर दिया तो ई इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब क्या कह रहा है कि इनवर्स ऑफ 5/7, तो अब हम क्या मानेंगे, लेट लेट इनवर्स ऑफ 5/7 इज के, ठीक। तो इट मीन्स 5/7 इंटू जो स्टार्स के है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी, क्योंकि इनवर्स की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को यहां पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, देखिए तो क्या आ जाएगा, 5/7 के आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ई, और ई की मान की वैल्यू 3 है, तो अब इसको रीअरेंज कर देना है बस, तो 5/7 के इज इक्वल टू 3e, और ई का मान रख दिया 3 इंटू 3, ठीक। तो बेसिक फंडामेंटल अब जो मिलने वाला है, देखिए 5/7 के इज इक्वल टू 9, के इक्वल टू जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन 5, नाउ बिकम 63 अपॉन 5, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो देखिए 63 अपॉन 5, वेयर इज द ऑप्शन, ये सी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना है क्या है, उसमें आइडेंटिटीज को फाइंड करना, फिर उसी ऑपरेशन को अप्लाई करके पॉइंट आउट को फोकस करना है। तो आई थिंक आपको ये टोटल पैटर्न इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, इसी को फॉलो करते हुए आगे भी हम क्वेश्चन को करेंगे जो आपके लिए हेल्प। थैंक यू, बाय, जय हिंद।